हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो स्वागत है आपका वाईफाई ज्ञान चैनल पर एक बार फिर से। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज इंडिया न्यूज हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट में। जानेंगे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण खबरों को हमारे केंद्र सरकार ने जारी किया है। दोस्तों बता दें कि अब से हमारे भारत की सरकार ने इन सभी राज्य में 17 मई 2021 तक सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। तो आखिरकार हमारे भारत में वो कौन सा राज्य है, इसको जानेंगे पूरी बड़ी खबर विस्तार से। और इसके अलावा दोस्तों आज हमारे भारत की सरकार ने सभी गरीब महिलाओं के लिए बहुत अच्छी खबर जारी किया है। अगर दोस्तों आपके परिवार में भी कोई भी महिला है तो उन सभी महिलाओं के लिए हमारे भारत की सरकार ने उनके खाते में 5,000 रूपए भेजने का फैसला किया है। और इसके अलावा आज के इस खबर में यूपी बोर्ड के एग्जाम को लेकर के बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। अगर दोस्तों आप भी यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो आपको इस खबर के बारे में जानना जरूरी है। और इसके अलावा आज के इस बड़ी खबर में पेट्रोल डीजल के साथ साथ मौसम समाचार भी जानेंगे और भी बड़ी बड़ी खबरों को जारी किया गया है। तो चलिए सभी जानकारी को विस्तार से देख लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के एकदम अंत तक और पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, है ना। चलिए सीधे बात करते हैं बड़ी खबर की। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे को दबा करके हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हम कोई भी लेटेस्ट बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की जानकारी अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर मिल पाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाने चलता हूं आपको आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों बता दिया आपको कि हमारे भारत की सरकार ने हरियाणा और यूपी राज्य यानी कि दोस्तों इन्हीं दोनों राज्यों में हमारे भारत सरकार ने 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। और बता दिया आपको कि हमारे देश में कोरोना का खतरा बहुत ही ज्यादा तेजी से फैल रहा है और ऐसे में कोरोना के कहर पर काबू पाने के लिए लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ने अपने अपने राज्य में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप हरियाणा और यूपी राज्य यानी कि इन दोनों राज्यों से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहां पर हमारे भारत की सरकार ने पहले आपका लॉकडाउन 10 मई 2021 तक किया था। लेकिन हमारे कोरोना की महामारी का सिलसिला देखते हुए हमारे केंद्र सरकार ने यूपी और हरियाणा राज्य में 17 मई 2021 तक सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। तो अगर आप इन दोनों राज्यों से आते हैं यानी कि अगर आप हरियाणा और यूपी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आने वाले अगले 17 मई 2021 तक हमारे हरियाणा और यूपी राज्य में सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। और दोस्तों यहां पर जब तक आपका लॉकडाउन रहेगा तब तक आपके जरूरी सेवाओं को छोड़ करके बाकी आपके जितने भी दुकान मार्केट बाजार कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े होटल हो गए इन सभी को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान हमारे भारत की सरकार ने कर दिया है। तो ऐसे में आप किस राज्य से आते हैं, अपने राज्य की जानकारी हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दीजिएगा, ताकि आपके राज्य या लॉकडाउन की कोरोना की कोई भी बड़ी खबर आएगी तो सबसे पहले मैं अपने वाईफाई ज्ञान चैनल पर आपको जाहिर कर दूंगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। दोस्तों बता दें कि बदलने जा रहा है हमारा देश का सबसे बड़ा निजी बैंक HDFC और इसका होगा आपकी जिंदगी पर सीधा असर। जी हां, दरअसल दोस्तों हमारे भारत की सरकार ने हमारे भारत देश में एक बैंक का नाम बदलने जा रहा है। और दोस्तों अगर आपका HDFC बैंक में खाता है तो ऐसे में आपको सावधान और अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारे भारत की सरकार ने इसी महीने मई के अगले सप्ताह में हमारे HDFC बैंक का नाम पूरी तरह से बदल जाएगा। और दोस्तों बता दिया आपको कि इसका फैसला आज हमारे भारत की सरकार ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर ट्वीट कर दिया है। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर आपका HDFC बैंक में खाता है या आपके परिवार में किसी भी सदस्य का HDFC बैंक में खाता है तो ऐसे में आप जान लीजिए कि आने वाले हमारे अगले सप्ताह में हमारे HDFC बैंक का नाम बदल जाएगा और हमारे भारत की सरकार के द्वारा जो आपके HDFC बैंक का नाम रखा जाएगा वो आपके RBI के मुताबिक इस बैंक का नाम चेंज कर दिया जाएगा। वैसे में आपका किस सरकारी बड़े बैंक में खाता है, अगर आपका HDFC बैंक में खाता है या आपके परिवार में किसी का भी HDFC बैंक में खाता है तो इतनी बात हमें नीचे कमेंट सेक्शन में यस करके जरूर बता दीजिएगा। और चलिए इसी के साथ अब अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। दोस्तों बता दें कि मोदी सरकार ने इन महिलाओं के खाते में भेज रही है 5,000 रूपए, आप भी उठा सकते हैं इसका लाभ। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हमारे कोरोना महामारी के सिलसिला में हमारे भारत की सरकार ने सभी महिलाओं के खाते में 5,000 रूपए भेजना शुरू कर दिया है। तो फ्रेंड्स बता दें आपको कि हमारे भारत की सरकार ने सभी महिलाओं के खाते में 5,000 रूपए ट्रांसफर करने का फैसला कर लिया है। लेकिन इसके लिए आपको किसी भी साइबर कैफे या किसी भी कंप्यूटर की दुकान पर जाना होगा और वहां पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और दोस्तों यह रजिस्ट्रेशन आपका बिल्कुल भी फ्री में हो रहा है, क्योंकि हमारे भारत की सरकार ने इसका ऑनलाइन पोर्टल शुरू भी कर दिया है और अब से दोस्तों आप इसका आवेदन भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी और बड़ी खबर निकल कर आ रही है उन सभी महिलाओं के लिए जो एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है, क्योंकि हमारे कोरोना संकट के माहौल में हमारे भारत की सरकार ने लगभग सभी गरीब महिलाओं के खाते में 5,000 रूपए ट्रांसफर करने का फैसला कर लिया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। दोस्तों बता दें कि इंडेन भारत गैस और HP गैस के ग्राहकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि अब से आपको अपना गैस भरवाने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भारत की सरकार ने आपको घर बैठे बैठे बहुत ही अच्छी और नई व्यवस्था लेकर आई है। अगर दोस्तों आप भी व्हाट्सएप का यूज करते हैं, जाहिर सी बात है कि आजकल के जमाने में हर एक लोग व्हाट्सएप का तो यूज करते ही है, राइट। तो इसीलिए हमारे भारत की सरकार ने सभी व्हाट्सएप चलाने वाले ग्राहकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर जारी कर दिया है और अब से आप अपने व्हाट्सएप की मदद से
बहुत ही आसान तरीके से अपने घरेलू गैस सिलेंडर को बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में आपके घर में कौन सा घरेलू गैस कनेक्शन है, अपने घरेलू गैस कनेक्शन का नाम हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। और साथ ही साथ आप व्हाट्सएप चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं, ये भी बात हमें नीचे कमेंट सेक्शन में यस या नो करके जवाब जरूर दे दीजिएगा। और चलिए इसी के साथ अब अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। दोस्तों बता दें कि आरबीआई का बड़ा फैसला, अब 3 महीने और बढ़ गया इस बैंक पर प्रतिबंध, कोई भी लेन देन नहीं कर पाएगा ये बैंक। जी हाँ दोस्तों बता दें कि हमारे देश के सबसे बड़े बैंक आरबीआई बैंक ने इस बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है और अब से लेकर के आगे आपके पूरे 3 महीने तक ये बैंक कोई भी लेन देन नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे देश के सबसे बड़े बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बैंक पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दिया है और अब से अगले 3 महीने तक ये बैंक किसी से लेन देन नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स बता दिया आपको कि हमारे आरबीआई ने कर्नाटक स्थित मिलत को ऑपरेटिव बैंक पर अगले 3 महीने तक पाबंदी लगा दिया है और यह बैंक अगले 3 महीने तक कोई भी लेन देन नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे देश के सबसे बड़े बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस बैंक पर पाबंदी लगा दिया है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हमारे कर्नाटक में स्थित मिलत को ऑपरेटिव बैंक है जिस पर हमारे आरबीआई ने अगले 3 महीने तक पूरी तरह से रोक लगा दिया है और अगले 3 महीने तक कोई भी यहाँ पर लेन देन नहीं होगा। वैसे में इस समय आपका किस सरकारी बड़े बैंक में खाता है, अपने बैंक का नाम हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, ताकि आपके बैंक की भी कोई भी खबर आएगी तो सबसे पहले मैं अपने वाईफाई ज्ञान चैनल पर आपको जाहिर कर दूंगा। और इसी के साथ अब अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। दोस्तों बता दें कि हमारे यूपी बोर्ड के एग्जाम को लेकर के यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने बहुत ही बड़ी खबर जारी किया है। दोस्तों बता दें कि अगर आप भी यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो हमारे यूपी बोर्ड का एग्जाम कराने के लिए यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने ऐलान कर दिया है, क्योंकि हमारे यूपी में ही नहीं बल्कि आपके पूरे भारत के लगभग सभी राज्य में कोरोना ने अपना पूरा पांव पसार लिया है और इन्हीं सभी को देखते हुए हमारे अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री ने अपने आज सभी बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया है, राइट। लेकिन इसी बीच हमारे यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने यूपी बोर्ड का एग्जाम कराने के लिए ऐलान कर दिया है। और दोस्तों बता दें कि ये जो आपके यूपी बोर्ड का एग्जाम होगा वो आपके बहुत ही सख्त नियम के साथ होगा, क्योंकि हमारे यूपी में कोरोना के हालात को देखते हुए हमारे यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने नए तरीके से यूपी बोर्ड के एग्जाम को कराने के लिए ऐलान कर दिया है। तो चलिए देखते हैं आगे चल करके क्या हमारे यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी यूपी बोर्ड के एग्जाम को लेकर के ऐलान करते हैं। कोई भी खबर आएगी तो सबसे पहले मैं अपने वाईफाई ज्ञान चैनल पर आपको जाहिर कर दूंगा। लेकिन हाँ आप एक बात का ध्यान रखें कि हमारे यूपी बोर्ड का एग्जाम आपके अगले महीने यानी कि जून से आरंभ हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आप भी यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो आप घर पर तैयारी करते रहें, क्योंकि आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम का टाइम टेबल बहुत ही जल्द जारी कर दिया जाएगा। और इसी के साथ अब अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। दोस्तों बता दें कि यूपी, हरियाणा और बिहार सहित झारखंड के मौसम का ताजा हाल, जाने दिल्ली एनसीआर में अब कब होगी भारी बारिश। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार हमारे भारत के इन सभी राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान में हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि मौसम की जानकारी देने वाली एजेंसियों से यह पता चल चुका है कि हमारे यूपी, हरियाणा और बिहार सहित झारखंड के इन सभी राज्यों में अगले 24 घंटे तक मौसम का बहुत ही ज्यादा मिजाज गर्म रहने वाला है, क्योंकि हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार हमारे इन सभी राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान में बहुत ही ज्यादा भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो अगर दोस्तों आप इन सभी राज्यों से आते हैं तो आपको अगले 24 घंटों तक बिल्कुल भी अलर्ट रहने की जरूरत है। और इसके अलावा दोस्तों हमारे दिल्ली एनसीआर में भी हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 घंटों तक अलर्ट जारी कर दिया है। तो ऐसे में इस समय आप किस राज्य से आते हैं, अपने राज्य की जानकारी हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, ताकि आपके राज्य की मौसम की कोई भी जानकारी या लेटेस्ट बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की जानकारी आएगी तो सबसे पहले मैं अपने वाईफाई ज्ञान चैनल पर आपको जाहिर कर दूंगा। तो बस आज आपको इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानकारी देनी थी, उम्मीद करता हूँ कि जानकारी पसंद आई होगी। तो इसी खबर के साथ आज का यह मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज यहीं पर फिनिश होता है। मिलते हैं एक और टुडे ब्रेकिंग न्यूज की अपडेट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।